आज का जो चैप्टर चलेगा लम लंबिर्कीय शंकु, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो है 17 का होगा, क्लास 9th का। तो सबसे पहले हम लंब वृत्तीय शंकु के बारे में जान लेते हैं क्या। तो लंब वृत्तीय शंकु क्या होता है, तो इसको हम समझ लेते हैं। जैसे एक हम समकोण त्रिभुज खींचते हैं, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज का जो भुजा समकोण बनाता है, जैसे इस भुजा को हम स्थिर रखेंगे, ठीक है ना। अस्थिर रखने के बाद इसके चारों ओर घुमाएंगे, बाकी ये दो भुजा को चारों ओर घुमाएंगे, तब जो आकृति बनेगा उस आकृति को हम क्या कहेंगे, लंबवृत्तीय शंकु। जैसे ठीक है, यानी इस भुजा को यदि हम स्थिर रखें तब जो ये चारों ओर घुमाएंगे तो एक आकृति बनेगा। तो इस तरह की आकृति को हम क्या कहेंगे, शंकु कहेंगे। तो शंकु परिभाषा क्या हो जाएगा, यानी किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा, यानी जो भुजा समकोण बनाएगा उसमें से एक भुजा को स्थिर रखेंगे और बाकी सबको चारों ओर क्या करेंगे, घुमा देंगे। तो घुमाने के बाद जो आकृति बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, शंकु कहेंगे। तो शंकु का ये आकृति हो गया, इस तरह से हम शंकु बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये शंकु हो जाएगा, ये एक तरह का टोपी भी इस तरह का आकार का आता है क्या। उसके बाद जो है जरूरत के हिसाब से हम जो है इस तरह की आकृति भी बना सकते हैं, ये उल्टा हो जाएगा शंकु का, आइसक्रीम जैसे भरा रहता है, आइसक्रीम खाए ना, आइसक्रीम वाला इसी तरह से रहता है। उसके बाद जो है आइसक्रीम वाला रहता है, दुकानदार पान देता है इस तरह की आकृति में ना, और झालमुरी खाएगा तो इसी तरह का आकृति बना के देता है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, शंकु। अब शंकु के आकृति में हम एक चीज समझ लेते हैं, ये केंद्र जो होगा, सबसे पहले ये जान लेते हैं ये वाला भाग जो वृत्ताकार है नीचे की सतह जिस पर ये शंकु टिकेगा, जैसे इस तरह से रखेंगे तो ये इसका आधार कहलाएगा, ये वृत्त इसका क्या कहलाएगा, ये वृत्ताकार साइज जो है शंकु का आधार कहलाएगा। तो शंकु का आधार क्या हो जाएगा, शंकु का आधार एक तरह से वृत्त हो जाएगा क्या, वृत्ताकार आकार जो है शंकु के आधार का आकार कैसा होगा, वृत्ताकार। तो उसका आधार जो है वृत्ताकार होगा, ठीक है। उसके बाद ये वृत्ताकार भाग को छोड़कर ये ऊपर का जो पृष्ठ बचता है इसको हम कहेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय सतह, ठीक है। ऊपर वाला जो ये वृत्ताकार भाग को नीचे को छोड़कर और ऊपर वाला भाग जो होगा इसको कहेंगे हम वक्र पृष्ठीय सतह। जैसे यहाँ पर ये है तो ये चारों ओर घूमेगा ये जो है भाग, तो ये वाला भाग को हम क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठीय सतह, ठीक है। ये आधार को छोड़ देंगे तब जो ये भाग चारों बगल हम घुमाएंगे तो उस भाग को कहेंगे, जैसे इस तरह का आकृति बन रहा है समझने के लिए, तो ये आकृति चारों बगल जो घूमेगा इसी आकृति को हम कहेंगे वक्र पृष्ठीय सतह, और ये नीचे में जो बनेगा ये वृत्ताकार भाग इसको हम क्या कहेंगे, आधार, ठीक है। शंकु का क्या कहेंगे, आधार।
जब दोनों को हम जोड़ देंगे, ये वक्र पृष्ठीय सतह ऊपर वाला ये पूरा चारों बगल और नीचे जिस पर ये टिका रहेगा उसको जोड़ेंगे तब कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठीय सतह। तब उसको क्या कहेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय सतह। और जब तक वक्र कहेगा तो इसका मतलब हम ऊपर के बारे में बात कर रहे हैं, ये सतह ये जो है परिधि को छोड़कर, ठीक है ना। ये जो नीचे वाला आधार है इसका हम बात नहीं करेंगे। जब कहेगा वक्र पृष्ठीय सतह तो शंकु को ऊपर के हिस्सा का चारों बगल लेंगे, नीचे वाला भाग वृत्ताकार जो भाग है उसको छोड़ देंगे। और जब संपूर्ण सतह कहेगा तो ये चारों राउंड ये भी घूमेगा और नीचे वाला भाग भी आएगा। इसमें जो है ये होता शंकु का आकार, ठीक है। तो ये वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग चारों बगल, इस भाग को हम कहेंगे वक्र पृष्ठीय सतह, ये ठीक है। और ये वाला भाग जो है वृत्ताकार, ठीक है, ये आधार कहलाएगा क्योंकि इसी पर ये टिकेगा, ठीक है ना। ये कहलाएगा शंकु का आधार। और ये पूरा भाग, ये चारों बगल जो दिख रहा है, ये हो जाएगा वक्र सतह, इसी को कहेंगे। और जब हम इस आधार को दोनों को जोड़ेंगे, ये वक्र और ये, तब उसका कहलाएगा संपूर्ण सतह, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा इससे। तो अब इसमें क्या है, थोड़ा सा चित्र को समझ लेते हैं। तो शंकु में ये जो होता है वृत्त का त्रिज्या, यही कहलाता है शंकु का त्रिज्या। इसको जरूरत के हिसाब से छोटी आर या बड़ी आर से हम सूचित करेंगे, ठीक है। और अभी तुरंत हम बताए थे ये समकोण त्रिभुज का हिस्सा क्या, ये जो है शंकु क्या, समकोण त्रिभुज का हिस्सा। तो इसीलिए एक हम फिगर बनाते हैं थोड़ा सा बड़ा वाला। ठीक है ना, ये वाला भाग जो है हो जाएगा त्रिज्या इसका, जो ये वृत्ताकार भाग का त्रिज्या होगा ना, वही त्रिज्या हो जाएगा शंकु का, ठीक है ना, समझने के लिए। और ये जो देख रहे हैं शीर्ष से और ये त्रिज्या केंद्र को जो मिला, इसको हम कहेंगे शंकु का ऊंचाई एच, ठीक है ना। अब एक चीज गौर करो, यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, यही त्रिभुज ने घुमा राउंडिंग किया चारों बगल तो बन गया कौन सी, शंकु। तो ये त्रिभुज से जब ये लंब हो जाएगा, ये नहीं, ये आधार हो जाएगा त्रिज्या और ये लंब यानी ऊंचाई हो जाएगा, ये इसके 90 के सामने वाला हो जाए, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, कर्ण। तो इस कर्ण के लिए यहां पर हम जो है ना एल से सूचित इसको करेंगे। यहां पर हम इस चित्र में शंकु में इसको कहेंगे तिर्यक ऊंचाई, क्या कहेंगे इसको, तिर्यक ऊंचाई, इसको सूचित करेंगे हम एल से। और शंकु के त्रिज्या को किससे सूचित करेंगे, छोटी आर, मन है तो बड़ी आर भी ले सकते हैं। और ऊंचाई को इसका हम किससे सूचित करेंगे, एच से या बड़ी एच से, ठीक है। जब दो शंकु रहेगा तो एच लेंगे, बड़ी एच ले लेंगे। इसमें तीन चीज का मेन भूमिका होता है, एक त्रिज्या जो वृत्ताकार भाग का त्रिज्या होगा वही शंकु का, एक ऊंचाई, ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा त्रियक ऊंचाई। तो ये शंकु, शंकु यदि ये है तो इसके हिसाब से ये त्रिज्या, ये ऊंचाई और ये हो गया त्रियक ऊंचाई यानी कर्ण। तो त्रियक ऊंचाई को यहाँ पर हम एल से सूचित करेंगे, ठीक है ना। उस तरह से यदि हम ये पूरे लाइन को मिला दिया जाए यदि सीधा, तो गौर करेंगे तो जैसे एक तिरछी ऊंचाई इधर बन रहा है तो एक इधर भी बन रहा है, यानी एक हिस्सा इधर त्रिभुज का बना रहा है, एक हिस्सा उधर भी बनेगा, तो ये भी एल ए होगा क्या, और यहां से इधर आर होगा तो इधर क्या हो जाएगा, आर। और ये पूरे जो केंद्र से गुजरेगा उसको हम क्या कहेंगे, व्यास, ठीक है ना। अब शंकु लंबवृत्तीय शंकु से संबंधित कुछ क्षेत्रफल का जो सूत्र है उसके बारे में जान लेते हैं, तब ये चैप्टर चलेगा। इसी में एक सूत्र होता है कर्ण बराबर, कर्ण बराबर क्या सूत्र होता है, रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर होता है ना,
यहाँ शंकु में क्या हो जाएगा, करने को कहेंगे हम तिर्यक ऊंचाई बराबर आधार यानी त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, जो चित्र में तुरंत हम बताए हैं। तो एक चित्र भी हम बगल में बना ही देते हैं, चित्र रहेगा तो समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये H होगा और ये R होगा और ये L, L हमको निकालने के लिए ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद यदि हमको R निकालना हो तो यहाँ लगेगा L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, और यदि H निकालना हो तब सूत्र लगेगा हमको रूट अंडर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। यहाँ पर तीन सूत्र लागू होगा, क्या तीन चीज है, एक त्रिज्या, एक ऊंचाई और एक तिर्यक ऊंचाई। नहीं समझ में आए इसके लिए लिख सकता है, लिखते जाओ सूत्र है। तो L का मान क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे तिर्यक ऊंचाई, लिखेंगे L ही, समझना है तिर्यक ऊंचाई। H लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ऊंचाई, R लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा त्रिज्या। इसका त्रिज्या तो शंकु का त्रिज्या, ठीक है ना। तो ये तीन चीज है, इसके लिए तीन सूत्र, L इज इक्वल टू रूट अंडर, यानी तीन में से दो दिया रहेगा तो हम तीसरा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा निकालने के लिए अगर त्रिज्या ऊंचाई निकालना हो तो हमको त्रिज्या ऊंचाई चाहिए, और त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या ऊंचाई और ऊंचाई दिया रहेगा। ऊंचाई जब निकालना है तो हम ये सूत्र लगाएंगे, उसके बाद जो है जब कहेगा शंकु का वक्र पृष्ठीय सतह तब इसमें सूत्र लगाएंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें सूत्र लगेगा पाई आर एल। उसके बाद जब कहेगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है। पाई आर इंटू आर प्लस एल। उसके बाद जब कहे शंकु का आयतन, इसको भी से सूचित करेंगे, तब हो जाएगा वन बटे थ्री पाई आर स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये सूत्र लागू होगा, इसमें हम पढ़े थे बेलन का आयतन क्या था, बेलन का आयतन का भी जरूरत पड़ सकता है, बेलन का आयतन सूत्र लगाए थे पाई आर स्क्वायर एच। तो इस पर गौर करना है, बेलन का आयतन यहाँ पर वही सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, सिर्फ एक बटा तीन से गुना है, यानी बेलन के आयतन में हम क्या करेंगे तीन से भाग कर देंगे तो किसका आ जाएगा, शंकु का। आप सोचो जिस शंकु और बेलन के त्रिज्या बराबर हो, ऊंचाई बराबर हो, तो सिर्फ फर्क कितना का होगा, एक बटा तीन का, यानी तीन से भाग कर देंगे बेलन में तो आ जाएगा उससे जो शंकु बनेगा उसका, यानी एक बेलन के आयतन का तिहाई हिस्सा होता है, एक तिहाई इसका शंकु का आयतन। अब थोड़ा सा इसमें समझ लेते कहां पर क्या है, तो इसके बारे में तो हम पढ़िए चुके हैं, क्या इसमें जो है मुख्य रूप से हमको ये जानना था पाई का मान होता है 22/7, जरूरत पर कभी कभी 3.14 भी उपयोग करेंगे। आर का मतलब हो जाएगा शंकु की त्रिज्या, ठीक है, और एच मतलब हो जाएगा शंकु की ऊंचाई, और एल मतलब हो जाएगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना।
अब जो है थोड़ा सा एक पॉइंट और समझ लेते हैं। कभी कभी सवाल में दिया रहता है कहेगा ऊंचाई को समझने के लिए, ऊंचाई को m गुना कर दिया जाए तो, ऊंचाई को m गुना कर दिया जाए तो आयतन m गुना हो जाएगा, ठीक है ना। ऊंचाई को m गुना कर दिया जाए तो आयतन क्या गुना होगा, m गुना, m क्या हो जाएगा जहां धनात्मक संख्या हो जाएगा। अगर हम कहेंगे ऊंचाई को दो गुना कर दिया जाए, ऊंचाई को क्या गुना, दो गुना, तो आयतन क्या गुना हो जाएगा, आयतन भी हो जाएगा दो गुना, समझ में आया। जैसे ही हम ऊंचाई को दो से गुना करेंगे तो आयतन में कितना से करना पड़ेगा, दो से। अगर कहेगा ऊंचाई को चरगुना कर दिया जाए तो आयतन भी हो जाएगा चरगुना। अगर कहेगा ऊंचाई को एक बटा दो से गुना करेंगे यानी आधा कर दिया जाए, ऊंचाई को क्या कर देंगे, तो आयतन भी हो जाएगा कितना, आधा हो जाएगा, ठीक है ना, आयतन भी आधा हो जाएगा। ये पॉइंट दूसरा नंबर में एक सवाल और इसी पर होगा। अगर कहेगा त्रिज्या को ए गुना कर दिया जाए तो आयतन ए स्क्वायर गुना होगा, ठीक है ना। अब त्रिज्या को ए से गुना करेंगे मतलब आर को हम ए से गुना कर देंगे तो इसका आयतन जो निकलेगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर गुना आयतन, यानी एक जब त्रिज्या को ए से करेंगे तो आयतन में कितना से गुना हो जाएगा, ए स्क्वायर से। कहने का मतलब कहेगा त्रिज्या दुगुना कर दो, त्रिज्या दो से गुना, तो इसका मतलब आयतन में क्या से गुना हो जाएगा, दो दुनी चार, दो के स्क्वायर चार रहेगा रे चार। अगर कहेगा तीन गुना कर दो तीन हो जाएगा तीन तिया नौ गुना, समझ में आया। अगर त्रिज्या कहेंगे एक चौथाई कर दो तब इसका आयतन भी हो जाएगा चार चौका सोलह, एक बटा सोलह हिस्सा, ठीक है ना, समझ में आया ना रे। पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्या। उसके बाद एक चीज और है, और दोनों को यदि कर किया जाए तो इसको मिटा देते हैं। उसके बाद जब हम कहेंगे एक ही साथ कहेंगे त्रिज्या को ए गुना तथा ऊंचाई को एम गुना कर दिया जाए तो आयतन जो है ए स्क्वायर एम गुना होगा, ठीक है ना। अगर हम त्रिज्या को ए से गुना करेंगे ऊंचाई को एम से गुना, समझने के लिए त्रिज्या को ए से गुना और ऊंचाई को एम से गुना तो आयतन जो आएगा ना उसमें किससे गुना होगा, ए स्क्वायर एम से। क्वेश्चन कहेगा त्रिज्या को दो से गुना करो समझने के लिए, ऊंचाई को तीन से गुना करो तो आयतन क्या गुना होगा, तो आयतन इसका हो जाएगा ये दो दुनी चार तिया बारह गुना, न हो जाएगा रे, क्या कि ए स्क्वायर एक दो से गुना किए तो दो गुना दो और ऊंचाई एम था थ्री, यानी दो दुनी चार तिया बारह, आयतन क्या गुना हो जाएगा, बारह गुना ज्यादा हो जाएगा। इस तरह का ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। तो अब जो है चलेगा इसका एक्सरसाइज 17 नंबर का, ये जो भी था बेसिक नॉलेज था शंकु से संबंधित, बस इसको याद रखना।